नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में बीते दिन 1,27,952 नए कोरोना केस मिले और 1,059 पीड़ितों की जान गई है। इस दौरान 2,30,814 लोग ठीक भी हुए, जिससे अब तक रिकवर होने वालों का आंकड़ा 4,02,47,902 पर पहुंच गया है। इस समय रिकवरी रेट 95.64% है। फिलहाल 13,31,648 मरीजों के इलाज जारी है। अगर डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 7.98% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 11.21% है। शुक्रवार को पूरे देश में 16,03,856 कोरोना टेस्ट किए गए। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए इस्लामी स्लाइसिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इससे वो आक्रामक एक्शंस के जरिए दूसरे दावेदारों का टेस्ट लेता है, फिर प्रतिरोध का सामना करने पर पीछे हट जाता है। चीन ने सलामी स्लाइसिंग तकनीक के जरिए नेपाल और भूटान के सीमावर्ती इलाकों में कस्बों का विस्तार भी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 8 फरवरी को सदन में मौजूद रहने के लिए विहिप जारी किया है। सभी भाजपा राज्यसभा सांसदों को संबोधित आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्यसभा के सभी भाजपा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 8 फरवरी 2022 को राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर खड़ा हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ जहां बसंत पंचमी पर राहुल ने कुछ कॉलेजों के हिजाब उतारकर कॉलेज जाने के आदेश को लेकर निशाना साधा था, तो दूसरी तरफ भाजपा ने उन पर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार अंतिम चरण में है। शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रचार किया। यहां 10 फरवरी को पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सिंह ने गलवान संघर्ष का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि उन्हें भारतीय सैनिकों की वीरता पर भरोसा नहीं है, इसके बजाय वो चीनी मीडिया पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अविवाहित बेटे की मौत के बाद उनके वीर पर उसके माता पिता का अधिकार है या नहीं, इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने एक मृत युवक के माता पिता की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में मृतक के माता पिता ने सर गंगाराम अस्पताल में उनके बेटे के संरक्षित वीर के नमूने की मांग की है। इतिहास का सबसे बड़ा हुआ शीतकालीन ओलंपिक का आगाज चीन के बीजिंग शहर में शुक्रवार को शुरू हो गया है। इस ओलंपिक को कई कारणों से दशकों तक याद रखा जाएगा। सबसे पहले तो कोरोना काल में इसका आयोजन हो रहा है। दूसरा, दुनिया के कई देशों ने मानवाधिकार के हनन को लेकर इसका राजनयिक बहिष्कार किया है। भारत भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा या प्रदूषण से जुड़ा कोई भी मुद्दा राजनीतिक विमर्श में स्थान नहीं पा सका है। अभी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र जारी होने बाकी है, लेकिन जिस प्रकार के मुद्दे चुनाव में हावी है, उससे दूर दूर तक इस मुद्दे को जगह मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती है। एक वर्चुअल सेमिनार में विशेषज्ञों ने ये राय व्यक्त की। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बयानों का तीर चलाया है। पार्टी आलाकमान पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस के सीएम चेहरे की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई ये भी 60 विधायकों की बात नहीं कर रहा है। कोई भी सरकार गठन के रोडमैप के बारे में बात नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि सीएम रेस को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू से आगे चल रहे हैं। ऐसे में नाराज सिद्धू को मनाने के लिए पार्टी को परेशानी हो रही है। ये बात भी सामने आ रही है कि सिद्धू और चन्नी पर कांग्रेस पार्टी ढाई ढाई साल सीएम पर फैसला ले सकती है। पंजाब की रहने वाली एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपना बदला हुआ नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि फोटो पहचान पत्र की अनुपलब्धता के कारण वो अपनी बचत और निवेश का उपयोग करने में असमर्थ है। लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर से खराब होने लगी है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का पिछले काफी वक्त से इलाज चल रहा है। उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया था और उनके लंग्स में निमोनिया भी डिटेक्ट हुआ था। हालांकि लता मंगेशकर की हालत में पिछले दिनों सुधार देखने को मिल रहा था, पर अब एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब होने लगी है। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने उनकी तबीयत बिगड़ने के बारे में जानकारी दी है। स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह राहुल गांधी है। एक ट्विटर यूजर ने वीरदास से पूछा कि क्या उन्होंने राहुल गांधी का टू इंडियाज भाषण लिखा, जो उन्होंने बुधवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान दिया था। वहीं वीरदास ने इसका जवाब भी दिया। वीरदास ने ट्वीट कर रिट्वीट करते हुए लिखा कि नहीं, मैंने नहीं लिखा। दो राष्ट्रों और इसके विभिन्न वर्जन की कल्पना हम दोनों के होने से बहुत पहले से है। केवल एक चीज वही है, उम्मीद के मुताबिक आपकी प्रतिक्रिया का आना। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में गड्ढे और ट्रैफिक काफी बड़े मुद्दे हैं। शहर में 3% तलाक ट्रैफिक जाम से होते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते। उनका ज्यादा समय ट्रैफिक जाम में ही बर्बाद हो जाता है।
मुंबई में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। मध्य रेलवे ने 72 घंटे के लिए 350 लोकल और 117 मेल एक्सप्रेस रद्द करने का फैसला लिया है। ट्रेनों की आवाजाही शुक्रवार रात 12 बजे से सोमवार मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि इस दौरान लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य रेलवे ने अपने लोकल नेटवर्क पर ठाणे और देवास स्टेशनों के बीच दो नई लाइनें जोड़ने के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। कश्मीर, नोएडा और अन्य इलाकों में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई। आज सुबह 9:45 पर आए भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहा। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हैदराबाद के पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय यानी कि ICRISAT परिसर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह पर ICRISAT के विशेष लोगों को लॉन्च किया है। राज्यसभा में शनिवार को बजट पर लंबी चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही अगले हफ्ते तक स्थगित हुई है। इस हफ्ते लंबे समय बाद राज्यसभा की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के देखने को मिली। इसी के साथ भाजपा ने अपनी सभी सांसदों को 8 फरवरी को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। सभी भाजपा राज्यसभा सांसदों को कहा गया है कि 8 फरवरी को राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए कुछ भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। बता दें कि इस चर्चा के लिए 12 घंटे आवंटित किए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री का जवाब भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में स्टार प्रचारक राजा सिंह ने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में शनिवार को भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों पर हमला भी बोला। राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। मोदीनगर रोड स्थित श्रीमती ब्रह्मदेवी स्कूल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा हुई। वो हेलीकॉप्टर से हापुड़ पहुंचे और नियत समय से करीब 2 घंटे लेट हो गए। काफी समय से मंच के सामने बैठे समर्थक उनके आने का इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि यूपी में योगी ने गुंडे और माफियाओं का सफाया कर दिया है। पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में तीसरे चरण के मतदान क्षेत्र के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तीसरे चरण में भी कांग्रेस के 30 सदस्य प्रचार कार्य में लगेंगे। इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम गायब है वो है पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीट पर 20 फरवरी को मतदान होगा। शनिवार को टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बनने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस सीरीज में वो पहली बार फुट टाइम कप्तान के तौर पर उतरेंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले वो चोटिल हो गए थे और इस वजह से दौरा नहीं किया था। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टीम के लिए पहले वनडे में पारी की शुरुआत कौन करेगा इस बात पर से पर्दा उठाया। रोहित ने साफ किया है कि अगर ईशान किशन को वनडे टीम के साथ जोड़ा गया है तो उनको मौका दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से जस्टिन लैंगर के इस्तीफा देने के भावुक हुए मैथ्यू हेटन ने सार्वजनिक रूप से लैंगर का समर्थन नहीं करने के लिए खिलाड़ियों की आलोचना की है। पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने भी नाराजगी जताई है। लैंगर की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप और एशेज सीरीज 4-0 से जीती थी। उनकी कोचिंग शैली को लेकर खिलाड़ियों की लगातार शिकायत की खबरों के बीच उन्होंने शनिवार को पद छोड़ दिया। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा की पहली शिफ्ट का आयोजन सफलतापूर्वक संचालन हो चुका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर द्वारा पहली पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स परीक्षा का आयोजन किया गया था। कांग्रेस के बाकी नेताओं के समूह G23 में तथाकथित तौर पर शामिल मनीष तिवारी ने पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नाम हटाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने शनिवार को कहा कि मैं नाम हटाए जाने से उतना हैरान नहीं हूं जितना नाम शामिल किए जाने से था। इसके पीछे असली कारण क्या है सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक हिंदू सिख का सवाल है पंजाब में कभी यह मुद्दा रहा ही नहीं था। इसके साथ ही पंजाब में हिंदू सिख मुद्दे पर दिल्ली में बैठे मठाधीश पर हमला किया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें मुक्तसर से PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पहले यह खबर आई थी कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है लेकिन बाद में उनकी तबीयत खराब होने की सूचना आई। बुल्लीबाई ऐप केस में श्वेता सिंह की जमानत याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। पुलिस ने 18 साल की श्वेता सिंह के मामले में पुलिस को 2 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट में अब 8 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो चुके पाकिस्तान की ऐंठ खत्म नहीं हो रही है। बार बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी वो अपने नापाक मंसूबों से पीछे नहीं हटता। ताजा मामला कश्मीर एकता दिवस को लेकर है। कश्मीर एकता दिवस को लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। एकता दिवस को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ बोल रहा है।
गोवा विधानसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर उन पर हमला बोला है और लोगों से अपील की है कि उनके ऊपर ध्यान न दें क्योंकि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। संसद में बजट सत्र चल रहा है और अगले हफ्ते इसके जोरदार होने की संभावना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज शनिवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्यों से 8 फरवरी को सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए 3 लाइन का व्हीप जारी कर दिया है। पार्टी की तरफ से जारी व्हीप को लेकर लोग ये कयास भी लगाने लगे हैं कि कहीं कुछ खास होने वाला तो नहीं है। राज्यसभा ने वर्तमान बजट सत्र के पहले सप्ताह के दौरान उपलब्ध 15 घंटे 17 मिनट के समय का पूरा इस्तेमाल किया है। यही नहीं, सत्र के दौरान पहले सप्ताह में राज्यसभा की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी 100% रही है। इस पूरे सप्ताह के दौरान व्यवधानों या रुकावटों के चलते एक बार भी राज्यसभा को स्थगित नहीं करना पड़ा। हालांकि कई मुद्दों पर सदन में तीखी बहस जरूर हुई लेकिन उसे सदन की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ा। बजट सत्र से पहले सप्ताह के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जितेंद्र कुमार, नुन्नू कुमार, चंदन राज, सूरज किंग, नंदन कुमार, वैद्यनाथ ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, कुमार गौरव, धीरज कुमार, कुमार संतोष, क्रिएटर मौसम, गुलाम नबी गुलाम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कल भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले मुकाबले में किस टीम का पलराज ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।